Hello friends, first we define here what is the cone. That is the definition of cone. A cone is a surface generated by a straight line, which is passing through a fixed point, and intersecting a given curve or touching a given surface. यहाँ पर आप देख सकते हैं कोन एक ऐसी सरफेस होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से जनरेट होती है और वो स्ट्रेट लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, साथ ही एक गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करती है या एक गिवन सरफेस को टच करती है। दैट मीन्स कोन एक ऐसी सरफेस है जो कि स्ट्रेट लाइन से जनरेट होती है और वो स्ट्रेट लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, साथ ही वो स्ट्रेट लाइन एक गिवन कर्व को टच करती है या एक गिवन सरफेस को इंटरसेक्ट करती है। नाउ द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन, एंड गिवन कर्व और सरफेस इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व और गाइडिंग सरफेस एंड द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोन। तो यहां पर जो फिक्स पॉइंट है वो कोन का वर्टेक्स होता है, जबकि जो गिवन कर्व या सरफेस होगी उसको गाइडिंग कर्व या गाइडिंग सरफेस कहा जाएगा, और जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होती है जिससे कि कोन जनरेट होता है वह वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को जनरेटर कहा जाता है। सो दिस इज वेरिएबल लाइन इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोन, इंटरसेक्टिंग कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व, टचिंग सरफेस इज कॉल्ड द गाइडिंग सरफेस, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन। नाउ वी प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन इज होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। हम ये प्रूफ करेंगे कि कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है वो एक सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में। सो फर्स्ट वी सपोज दैट लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ कोन
विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। सबसे पहले हमने ये सपोज किया कि एक जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, और एक्स वाई जेड में ये सेकेंड डिग्री में जनरल इक्वेशन है, और ये कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। नाउ सपोज दैट दिस इज द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है एंड ओ इज द वर्टेक्स हियर। लेट अस सपोज दैट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट ऑन दिस वेरिएबल लाइन। लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर ओपी। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर, दिस पॉइंट इज 0 0 0। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर एक्स वन माइनस जीरो वाई वन माइनस जीरो जेड वन माइनस जीरो, दैट इज एक्स वन कमा वाई वन कमा जेड वन। अब यहाँ सपोज किया गया ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है, और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, ये जीरो 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 होंगे। तो ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे एक्स वन माइनस जीरो कमा वाई वन माइनस जीरो कमा जेड वन माइनस जीरो, दैट कैन बी रिटन एज एक्स वन वाई वन जेड वन। एक्स वन वाई वन जेड वन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ओपी। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ जनरेटर विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। इक्वेशन ऑफ जनरेटर ओपी इज एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स वन वाई माइनस जीरो अपॉन वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन जेड वन। आप देख सकते हैं ओपी इक्वेशन की लाइन को, ओपी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एल इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन हूज डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशियोज आर एल एम एन। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो एक्स वन वाई वन जेड वन से पास होती है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन्स या डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन होते हैं। यहाँ पर ओपी जनरेटर किससे पास हो रहा है, जीरो 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 से। तो एक्स वन वाई वन जेड वन के प्लेस पे जीरो 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 सब्स्टिट्यूट किया गया है, और एल एम एन ये ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। यहाँ पर ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो ये एल एम एन के प्लेस पे एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन एक्स वन वाई अपॉन वाई वन एंड जेड अपॉन जेड वन। सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आर। Now we suppose Q be any point on this generator. Let Q be any point on this generator. Q be any point on this generator OP. So Q can be written as, so point Q be R X1 comma R Y1 comma R Z1। आप देख सकते हैं यहाँ Q point इस generator OP पे लाई कर रहा है, तो Q point के coordinate लिख सकते हैं R X1 R Y1 and R Z1। Any point on this generator OP can be written as RX1, RY1, RZ1। इस generator OP पे किसी भी point के coordinate को RX1, RY1 and RZ1 लिया जा सकता है। Now we can see here this Q point lies on the generator, that means this Q must satisfy the equation of the cone 1। This Q point lies on the generator OP, so Q must lie on the equation
ऑफ कोन वन। आप देख सकते हैं यहाँ क्यू पॉइंट जनरेटर ओपी पे लाई कर रहा है, यानी क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी सब्स्टिट्यूट दिस आर एक्स वन आर वाई वन आर जेड वन इन गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोन वन। सो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन जेड वन प्लस टू जी जेड वन एक्स वन प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस टू आर यू एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डब्ल्यू जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सपोज दिस इक्वेशन इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के प्लेस पे आर एक्स वन आर वाई वन आर जेड वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट सिक्स टर्म से आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा और फिर ये टू यू एक्स टू वी वाई टू डब्ल्यू जेड इन थ्री टर्म से टू आर कॉमन मिल जाएगा और प्लस डी इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन सी हैज इक्वेशन थ्री इज आइडेंटिटी इन आर। इक्वेशन थ्री इज identity in R. Therefore, we can write a x1 square plus b y1 square plus c z1 square plus 2 f y1 z1 plus 2 g z1 x1 plus 2hx1 y1 is equal to 0. Suppose this is fourth equation, ux1 plus by1 plus wz1 is equal to 0. This is fifth equation and d is equal to 0. This is sixth equation. आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ये R में एक आइडेंटिटी है, इसलिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको जीरो के इक्वल, सेकेंड ब्रैकेट को जीरो के इक्वल और d को जीरो के इक्वल रखेंगे, ये तीनों इस आइडेंटिटी थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन फाइव। नाउ वी ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन फाइव। नाउ वी ऑब्जर्व इक्वेशन फाइव। नाउ वी ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन फाइव पॉइंट P x1 y1 z1 satisfies the equation of plane ux plus ux1 plus ux plus by plus wz is equal to 0. आप फाइव इक्वेशन से देख सकते हैं जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है वो प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है। इफ इफ यू वी डब्ल्यू आर नॉट आर जीरो देन इफ यू वी डब्ल्यू आर नॉट आर जीरो देन दिस इज अगेंस्ट हाइपोथेसिस। आप देख सकते हैं यहां पर अगर यू वी डब्ल्यू ये तीनों जीरो नहीं होंगे तो जो गिवन इक्वेशन वन जो हाइपोथेसिस हमने सपोज किया है कि कोन की जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, मतलब वो कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है वो एक सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में। तो यहां पर अगर u v w तीनों जीरो नहीं होंगे तो उस केस में जो फर्स्ट इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगी, यानी होमोजीनियस इक्वेशन बनने के लिए सभी टर्म में x y और z की पावर्स का सम इक्वल होना चाहिए, जबकि यहां पर 2 u x 2 v y 2 w z में केवल तीनों टर्म में x y और z की पावर्स का सम 1 के इक्वल है, बाकी अदर टर्म में सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो अदर सभी टर्म में एक्स और वाई और जेड की पावर्स का सम टू है। तो यहां पर
गिवन इक्वेशन 1 को होमोजीनियस होने के लिए ux plus dy plus wz is equal to 0 होगा और u, v, w ये तीनों 0 होने चाहिए। So u, v, w must be 0. U, v, w must be 0. Also from equation 6 we observe that d is equal to 0 is obviously because cone passes through the origin। आप देख सकते हैं इस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होता है और तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन वन में वो डी है और वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब ये जीरो के इक्वल होगा तभी ये कोन ओरिजिन से पास होगी। सो सिक्स इज ऑब्वियस हियर। हेंस फ्रॉम फर्स्ट equation v and from first equation of the cone is cone with vertex at the origin, is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equal to 0, which is homogeneous second degree equation in x, y एंड z। आप देख सकते हैं जो गिवन जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, उसको सपोज किया गया है ये कोन की इक्वेशन है और उसमें जब ux plus vy plus wz के प्लेस पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे और d के प्लेस पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy equal to 0 और ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री में। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म में x, y, z की पावर्स का सम 2 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में y की पावर 2 है, z की थर्ड टर्म में z की पावर 2 है और फोर्थ टर्म में y और z की पावर्स का सम भी 2 है, फाइव टर्म में z और x की पावर का सम 2 है और सिक्स टर्म में x और y की पावर्स का सम भी 2 है। That means ये होमोजीनियस इक्वेशन है x, y, z में और ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। So this equation represent equation of cone. We know that every equation which is homogeneous in x, y, z of second degree always represent equation of cone whose vertex at the origin. Thank you.